देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज देहरा में थे और उनकी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर भी उनके साथ मौजूद थी, जो कि देहरा से विधायक है। साथ ही साथ ज्वालामुखी से विधायक संजय रतन भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री का देहरा के लोगों से ये कहना था कि जो वादा उन्होंने किया था वहाँ चुनाव उपचुनाव से पहले, उसे पूरा कर लिया गया है। वहाँ सभी कार्यालय खोल लिए गए हैं। आज मुख्यमंत्री कार्यालय और एसपी कार्यालय का शुभारंभ करने के लिए दरअसल मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इससे पहले वहाँ आईपीएच का, इलेक्ट्रिसिटी का और लोक निर्माण विभाग के कार्यालय भी खुल चुके हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट जल्दी ही देहरा में शुरू किया जाएगा, यानी कि पर्यटन की दृष्टि से भी देहरा को उभारा जाएगा। वहां के लोगों को रोजगार मिल पाएगा, पर्यटक वहां पहुंचेंगे, जिससे आमदनी लोगों की बढ़ सकेगी और डेवलपमेंट भी वहां पर हो पाएगी। तो जल्द से जल्द ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा, आश्वासन आज वहां मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से दिया गया है। लेकिन वैसे भी देहरा देखिए काफी ज्यादा विकसित हो गया है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय वहां खोल दिया गया, एसपी कार्यालय खोल दिया गया, आईपीएच कार्यालय, इलेक्ट्रिसिटी कार्यालय और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी तक का कार्यालय वहां पर खुल चुका है। ये ऐलान मुख्यमंत्री ने पहले किए थे और काफी कम समय में देहरा में ये सभी ऐलान पूरे कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बीएड की मैनेजमेंट कोटा की सीटों के लिए स्पॉट काउंसलिंग हुई है। ये उन अभ्यर्थियों को मौका मिला जिन्होंने प्रवेश परीक्षा नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी स्पॉट काउंसलिंग में पहुंचे। ये दरअसल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से छूट दी गई थी बीएड की सीटें भरने के लिए। इससे पहले 267 सीटें ही भर पाई थी उन अभ्यर्थियों की ओर से जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था। तो अब इन सीटों को भरने के लिए कुछ छूट दी गई, जिसमें मुख्य छूट ये थी कि बिना प्रवेश परीक्षा के भी यहाँ स्पॉट काउंसलिंग बुलाई गई है। अगले 3 दिनों तक ये काउंसलिंग जारी रहने वाली है। छात्रों का इंटरेस्ट देखते हुए अगले 3 दिन तक ये काउंसलिंग का सिलसिला जारी रहने वाला है। हालांकि ज्यादा जानकारी इस संदर्भ में एचपीयू की वेबसाइट पर दे दी गई है। देखिए, एचआरटीसी पेंशनर्स आज भी अपनी पेंशन के इंतजार में बने हुए हैं। तकरीबन इस महीने के भी 5 दिन गुजर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें पेंशन नहीं मिल पाई। सवाल बड़ा ये है इनकी ओर से कि जब 28 तारीख को वादा किया गया था सभी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन देने का, तो अभी तक इन्हें इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। एचआरटीसी प्रबंधन का कहना है कि प्रबंधन के पास अभी 19 करोड़ तक की राशि है, लेकिन यहाँ 2 करोड़ की और आवश्यकता है पेंशन देने के लिए। और सरकार की ओर से जैसे ही ये 2 करोड़ का भुगतान होगा, उसके बाद एचआरटीसी पेंशनर्स को पेंशन मिल जाएगी। लेकिन पेंशनर्स मान नहीं रहे हैं और एक तरह से जिद पर अड़ गए हैं कि जल्द से जल्द इन्हें पेंशन का भुगतान किया जाए। हर बार इनके साथ अन्याय होता है, सभी को समय से पेंशन और सैलरीज दे दी जाती हैं। एचआरटीसी अगर घाटे में दे हैं तो वो पेंशनर्स की बदौलत नहीं है, उनके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। अब इस बारे में और कितना ज्यादा इंतजार अभी फिलहाल एचआरटीसी पेंशनर्स को करना होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। वो इस वजह से क्योंकि सरकार की ओर से जब तक 2 करोड़ की राशि जारी नहीं की जाती है प्रबंधन को, तब तक फिलहाल ये पेंशन नहीं मिलने वाली है। कुल मिलाकर 21 करोड़ खर्च किए जाते हैं पेंशन पर और अभी एचआरटीसी प्रबंधन के पास 19 करोड़ ही हैं। देखिए, आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से कुछ बड़े संकेत दिए गए हैं एसएमसीज को लेकर भी और साथ ही साथ कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर भी। आप सभी जानते हैं एक बड़ा मुद्दा इस दौरान गरमाया हुआ है, जो कि वोकेशनल ट्रेनर्स को लेकर है। वोकेशनल ट्रेनर्स की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है चौड़ा मैदान में और ये रेगुलर पॉलिसी की मांग उठा रहे हैं। इस बीच जब हमने सवाल ये किया कि क्या रेगुलर पॉलिसी बनाना संभव है या कोई ऐसी नीति इनके लिए लाई जाएगी जिससे विभाग के दायरे में आ पाएंगे, तो इस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब ये दिया कि बिल्कुल जैसे एसएमसीज के लिए एलडीआर कोटा एक तरह से और बीच का रास्ता निकाला गया है, एलडीआर कोटे के तहत उन्हें लाया जाएगा और इसके लिए उन्हें प्रवेश परीक्षा देनी होगी, वैसा ही रास्ता बाकी वर्गों के लिए भी निकाला जा सकता है, एसएमसीज को राहत दी जा सके, इसीलिए ये बीच का हल निकाला गया, बीच का रास्ता निकाला गया और अब प्रवेश परीक्षा उनकी जल्द ली जाएगी। शिक्षा बोर्ड को ये परीक्षा लेने का जिम्मा दिया जाएगा। इसके लिए पर्सनल डिपार्टमेंट में फाइल अंतिम स्टेज पर है, अगली की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। एलडीआर कोटे के तहत अगर आना है तो इसमें ये परीक्षा क्लियर करना एसएमसीज के लिए जरूरी है। तो ये राहत एक तरह से दी गई है एसएमसीज को, एक नया प्रावधान उनके लिए किया गया, वैसा ही प्रावधान कंप्यूटर शिक्षकों के लिए भी आने वाले समय में किया जा सकता है, ये शिक्षा मंत्री ने आज संकेत दिए हैं। अभी हालांकि देखिए, जो कंप्यूटर साइंस लेक्चरर के पद खाली हैं, संख्या बहुत ज्यादा है, 2000 के करीब बताई जा रही है, इन्हें भरने की कवायद शुरू नहीं हुई है, लेकिन शिक्षा मंत्री का कहना है ये प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और उसमें प्रायोरिटी बिल्कुल कंप्यूटर शिक्षकों को दी जाएगी, जो कि आउटसोर्स
आउटसोर्स पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट उन्हें इसमें प्रायोरिटी मिल जाए या डायरेक्ट उन्हें इन पदों के लिए रिक्रूट कर लिया जाए, ये एक तरह से असंभव है। इसीलिए कोई ऐसा रास्ता जैसा कि एसएमसीज के लिए निकाला गया है, उसी की तर्ज पर ऐसा कोई कोटा देने पर विचार आउटसोर्स वाले शिक्षकों को हो सकता है। तो ये आज शिक्षा मंत्री की ओर से साफ शब्दों में कहा गया है। अगली बात वोकेशनल ट्रेनर से जुड़ी करना चाहेंगे। वो ट्रेनर्स जिन्हें एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, अगले 2 दिन में कर दिया जाएगा, ये शिक्षा मंत्री ने पहली बात स्पष्ट की। दूसरी बात ये कि शिक्षा मंत्री स्वागत करते हैं वोकेशनल ट्रेनर्स का अगर वो उनके साथ वार्ता करना चाहते हैं। आज सुबह से वो अपने कार्यालय में बैठे हैं और अगर वो आते हैं तो जरूर उनके साथ वार्ता करेंगे, समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तीसरी बार शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस बारे में ये स्पष्ट की है कि तकरीबन ये 17 कंपनीज हैं जिनके अधीन व्यावसायिक शिक्षक आते हैं, लेकिन इसमें 16 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने एरियर का और सैलरी का भुगतान कर दिया है। महज एक कंपनी है जिसकी शिकायत आई थी, लेकिन उसे भी स्मगर शिक्षा के डायरेक्टर की ओर से एप्लीकेशन कॉल भिजवा दी गई है कि अगले 2 दिन में एरियर का भुगतान किया जाए। हालांकि वोकेशनल ट्रेनर्स की ओर से 2 कंपनीज की शिकायत की गई है, जिसमें एक ICSS है और एक सेंटम है। इनका ये कहना है कि बार बार ये इसी तरह से प्रताड़ित करते हैं शिक्षकों को। अभी एरियर का भुगतान नहीं किया गया, जबकि इसके लिए तिथि 20 अक्टूबर तक निर्धारित की गई थी और सैलरी भी समय से नहीं दी जाती है। ये सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी अगर वोकेशनल ट्रेनर्स को रेगुलर पॉलिसी के दायरे में लाया जाए। और अभी रेगुलर पॉलिसी के लिए एक ही बार शिक्षा मंत्री ने कही है कि कोई ना कोई प्रावधान करना पड़ेगा। अगर नीति बनानी है जैसा SMCs के लिए हुआ है, वैसा आने वाले समय में बाकी वर्गों के लिए भी विचार हो सकता है। अभी 1100 से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर तकरीबन 2174 वोकेशनल ट्रेनर्स की ओर से सेवाएं दी जा रही है। 2 दिन से ये हड़ताल पर बैठे हैं, तो यहाँ आग्रह भी शिक्षा मंत्री ने इनसे किया है कि जल्द ही अपनी हड़ताल को समाप्त करें और स्कूलों में जाएं, अपने छात्रों को पढ़ाएं, क्योंकि छात्र इनका इंतजार कर रहे हैं। पढ़ाई किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आंदोलन करना कोई रास्ता नहीं है, इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा और 2 दिन के भीतर एरियर का भुगतान भी होने वाला है। अभी वोकेशनल ट्रेनर्स का ये मानना है कि मुख्य समस्या इनकी एरियर भी नहीं है बल्कि सिर्फ रेगुलर पॉलिसी है। तो इसे लेकर संकेत ये जरूर दिए गए हैं कि जैसे SMCs को LDR कोटे के तहत लाया जा रहा है, वैसा कुछ विचार किया जा सकता है बाकी वर्गों के लिए भी। लेकिन ये कब संभव हो पाता है, कितनी जल्दी संभव हो पाता है और वार्ता के लिए क्या अभी प्रतिनिधिमंडल को कोई कॉल आती है, ये देखना होगा। हालांकि आज शिक्षा मंत्री ने स्वागत किया है उनका वार्ता के लिए भी, लेकिन इस बीच काफी ज्यादा परेशान वोकेशनल ट्रेनर्स हैं और ये हरियाणा के तर्ज पर पॉलिसी की मांग उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि इन्हें लेकर सरकार पहले से ही बहुत संवेदनशील है, इसीलिए तो 2000 इनके वेतन में बढ़ोतरी की गई थी, 20 छुट्टियों का प्रावधान किया गया था और एरियर देने के लिए भी निर्देश जारी हुए थे। देखिए, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से आज बड़ा तंज कसा गया है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी। यहाँ राजस्व मंत्री का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शायद कुछ ज्यादा ही फ्री हो गए हैं, रोजाना नई नई स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उचित नहीं है और दिल्ली जाकर हिमाचल के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, हिमाचल का जिक्र हर जगह करते हैं, यहाँ की वित्तीय परिस्थितियों पर बोलते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पूर्व में जयराम सरकार थी, उन्होंने इतना ज्यादा ऋण लिया है कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति डगमगा गई है। ये पूर्व जयराम सरकार की बदौलत हुआ है, ना कि वर्तमान सरकार की बदौलत। वर्तमान सरकार तो कई रास्ते खोलने जा रही है जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा। एक सवाल इन्होंने पीएम मोदी से ये भी पूछा है कि 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा हुआ था, 15 लाख व 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी हुआ था, 15 लाख देने की भी क्योंकि किसानों को बात हुई थी, ये सभी वादे तो पूरे हुए नहीं और जो सबसे गरीब देश थे उनकी गिनती में अब यहाँ भारत देश भी आ गया है बेरोजगारी और भूखमरी के मामले में। प्रधानमंत्री को इन सभी मुद्दों पर, इन सभी बातों पर गौर करना चाहिए बजाय इसके कि वो बार बार हिमाचल प्रदेश का जिक्र हर राज्य में जाकर कर रहे हैं। और देखिए, कुछ ऐसा ही आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से भी संकेत दिए गए हैं। इन्होंने 2 से 3 बड़ी बातें कही हैं, देहरा में थे और जनता को संबोधित करते हुए 3 बड़ी बातें इनकी ओर से कह दी गई हैं, जिसमें इनका ये कहना था कि पार्टी के भीतर इन्हें जितना मर्जी विरोध झेलना पड़े, लेकिन जनहित से जुड़े निर्णय इनकी ओर से लिए जाएंगे और ये ऐलान इन्होंने पहले दिन ही कर दिया था और ये बात पहले दिन ही इन्होंने तय कर दी थी जब मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी कि हिमाचल के हित के लिए जो भी फैसला लेना पड़े वो भले ही जितना मर्जी मुश्किल हो लेकिन वो लिया जाएगा और हिमाचल के हित में साबित हो, ये भी इनकी ओर से पूरी कोशिश होने वाली है।
फिर चाहे इन्हें अपनी ही पार्टी में उसका विरोध क्यों ना झेलना पड़े। देखिए, पिछले कल कैबिनेट मंत्रियों के साथ इन्होंने बैठक ली है, जिसके बाद कई नए संकेत इनकी ओर से दिए जा रहे हैं। आज एक बड़ा तंज इन्होंने और कसा है और भाजपा पर ये तंज कसना चाहा है, जिसमें इनका ये कहना था कि जब 4 दिन लेट सैलरी यहाँ कर्मचारियों की आई तो नेशनल लेवल पर वो एजेंडा उठाया गया, लेकिन जब 4 से 5 दिन पहले कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दी गई तो भाजपाइयों ने अपने मुंह बंद रखे हैं और अभी भी कांग्रेस सरकार का दुष्प्रचार करने में वो लगे हुए हैं। कभी कोई झूठी स्टेटमेंट दे देते हैं तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुमराह करते हुए उनसे ट्वीट करवाते हैं और बाद में उस ट्वीट को डिलीट करवा दिया जाता है, ये भी आज मुख्यमंत्री ने कहा। ये दरअसल हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद इसे डिलीट कर दिया गया और इसी के सहारे एक बड़ा बयान आज मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिया है कि ये यहाँ हिमाचल में जो भाजपा नेता हैं गुमराह कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, किसी भी तरह का ट्वीट उनसे करवाते हैं, कैसी भी स्टेटमेंट्स उनसे दिलवा रहे हैं और बाद में उन्हें अपना ही ट्वीट फिर डिलीट करना पड़ रहा है। लेकिन कर्मचारियों के लिए भी एक ये बड़ा तंज है कि 4 दिन सैलरी लेट हुई तो नेशनल लेवल पर वो इशू बनाया गया, लेकिन जब 4 दिन पहले सैलरी और पेंशन मिली तो उस बात पर किसी ने इतना ज्यादा गौर नहीं किया। हालांकि जो फैसला लिया गया था 4 से 5 दिन लेट सैलरी देने का, वो यहाँ के वित्तीय अनुशासन के लिए लिया गया था, यहाँ के फाइनेंशियल क्राइसिस ठीक हो सके, कैसे वित्तीय स्थिति ठीक करनी है हिमाचल प्रदेश की और जो क्षेत्र घाटे में चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में उन्हें कैसे उभारना है, इसे लेकर ये निर्णय हुआ था। लेकिन गलत तरीके से इसे आगे पेश किया गया और पूरे भारत में हिमाचल प्रदेश की गलत छवि बनाने की कोशिश की गई है, जो कि ठीक नहीं था। आज ये मुख्यमंत्री की ओर से साफ शब्दों में कहा गया। देखिए, कैबिनेट के एजेंडा को लेकर भी आपको जानकारी देते हैं। 16 नवंबर को ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग से तकरीबन 5 एजेंडा इसमें लगने वाले हैं, बाकी जो प्रशासनिक सचिव हैं उन्हें भी एजेंडा तैयार करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। वहीं आज एक और जानकारी सामने आई है, सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक भी आज डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सचिवालय में ली है। और देखिए, सबसे अहम देखिए इस कैबिनेट बैठक में क्या रहेगा, वो शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा होने जा रही है। आज पर्यटन विकास निगम की बीओडी की बैठक थी और ये रघुवीर सिंह बाली जो कि चेयरमैन बनाए गए हैं पर्यटन विकास निगम के, इनकी अध्यक्षता में हुई है। कुछ बड़े फैसले इस दौरान लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात ये कि एक और आउटसोर्स भर्ती होने जा रही है। पर्यटन विकास निगम में काफी पद खाली चल रहे हैं और इसमें जो टेक्निकल स्टाफ होगा इसकी भर्ती आउटसोर्स माध्यम से की जाएगी। टेक्निकल स्टाफ में अब ये कई वर्ग हैं, जैसे कि फूड कंट्रोलर, F&B मैनेजर और हाउसकीपिंग मैनेजर जैसे तकनीकी पद खाली चल रहे हैं, आउटसोर्स आधार पर भरा जाएगा। इस बात का खुलासा खुद ही RS बाली ने किया है। ये भी फैसला हुआ है कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जैसे कुल्लू मनाली रीजन में जो होटल सिल्वर इन कुल्लू है या नगर कैसल रोहतांग, रोनाल्सो क्लब हाउस मनाली है, यहाँ करोड़ों की लागत से इन्हें रेनोवेट किया जाएगा। यानी कि HPTDC के दायरे में जो कुछ बड़े होटल्स आते हैं और जो टूरिज्म स्पॉट्स हैं कुल्लू मनाली वहाँ पर स्थित इन होटल्स को रेनोवेट किया जाएगा और इसके लिए करोड़ों खर्च होने वाले हैं। मनाली में आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग की सुविधा भी दी जाएगी। शिमला के होटल हॉलीडे होम के साथ लगती जमीन पर HPTDC का कॉरपोरेट ऑफिस बनाया जाएगा। इसके लिए DPR और मैप बनाने के आदेश भी आज दे दिए गए हैं। ये कुछ बड़े निर्णय हुए हैं। इसके साथ ही साथ जब ये सवाल किया गया रघुवीर सिंह बाली से कि आखिरकार HPTDC इतने घाटे में क्यों चल रहा है, इसे उभारने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, तो जवाब ये दिया गया कि अभी तकरीबन पर्यटन विकास निगम के दायरे में 60 होटल्स और रेस्टोरेंट्स आते हैं और अगर 1972 से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो 90% होटल्स और रेस्टोरेंट्स घाटे में ही चले हैं। कारण बड़ा ये है कि HPTDC के ऊपर और भी कई लाइबिलिटीज रहती हैं सरकार के प्रति जो पर्यटन विकास निगम की ओर से उठाई जाती हैं। वहीं कर्मचारियों को एरियर के तौर पर भी यहाँ राहत दी गई है। तकरीबन 7 साल से ये भुगतान लंबित था, लेकिन अब सरकार कोशिश कर रही है कि डी और एरियर का भुगतान भी हो सके, तो ये भी कुछ रीजन है। लेकिन जो पर्यटन विकास निगम के दायरे में कर्मचारी हैं उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से लेकर ही पर्यटन विकास निगम घाटे में चल रहा था और अब इसे उभारने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया था। इस कमेटी ने अभी तक क्या किया, ये सवाल जब उनसे किया गया तो जवाब हालांकि उन्होंने कुछ खास नहीं दिया, लेकिन इस बीच उनका ये जरूर कहना था कि पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव
तरुण श्रीधर का नाम उन्होंने सबसे पहले कमेटी में अप्रोच किया था, क्योंकि इन्हें काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है टूरिज्म इंडस्ट्री का और ये अच्छे सुझाव दे सकते थे। लेकिन यहाँ तरुण श्रीधर ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहा कि वो एक भी पैसा सरकार से नहीं लेंगे, हिमाचल सरकार ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और अब निःशुल्क वो अपनी सेवाएँ इसके लिए देने वाले हैं। तो आने वाले समय में ऐसे ही और अधिकारियों की ज़रूरत है जो अच्छे सुझाव दें और HPTDC को घाटे से उभारा जा सके। ये कुछ जानकारियां जो कि BOD की बैठक से निकलकर सामने आई हैं, उस बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब देखिए, एक बड़ी समस्या थी और बार बार विभिन्न मामलों में ये देखने में आता था कि फोन टैपिंग को लेकर साक्ष्य जुटाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। फोन टैपिंग करना अवैध माना गया है, ये हाईकोर्ट की ओर से नई व्यवस्था दी गई है कि आप फोन टैपिंग का इस्तेमाल करते हुए साक्ष्य नहीं जुटा सकते हैं। अगर फोन रिकॉर्डिंग से साक्ष्य जुटाए गए हैं तो वो अमान्य होंगे। इस बात का ध्यान सभी को रखना होगा। ये एक पारिवारिक मामले में डिसीजन आज हाईकोर्ट की ओर से सुनाया गया है। इस पारिवारिक मामले में माँ और बेटी की रिकॉर्डिंग की गई थी और फिर साक्ष्य आगे पेश किए गए थे, लेकिन ये साक्ष्य अमान्य होंगे। फोन टैपिंग अब नहीं की जा सकती है, ये निजता अधिकार का हनन है और किसी को भी अनुमति नहीं है कि फोन रिकॉर्डिंग की जाए, उसके बाद साक्ष्य जुटाने की कोशिश हो। अगर ऐसा कोई करता है तो कार्रवाई उस पर होगी और ये साक्ष्य भी अमान्य होने वाले हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स की ओर से ये कई बार शिकायत हुई है कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं या उनकी बातों पर निगरानी रखी जा रही है, लेकिन आने वाले समय में अब ये किसी के लिए भी संभव नहीं होने वाला है। तो ये बड़ा निर्णय कहना चाहेंगे जो कि फोन टैपिंग को लेकर